राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया, राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। तो मुझे तजुब लगता है कि हमारे देश में 15 ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो कभी उनकी जात पात धर्म के बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आदिवासी को बना दिया, आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया किसी को, आप लगता है कि अब दानी है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे नहीं, आप लोग करते हैं तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं सर। इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक, हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। कभी प्रेसिडेंट की जब अभिभाषण होते हैं सदन में तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिंढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। यह होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही महीनों में मर्यादा को पालन करना, यही मेरा 350। हाँ को ना को हाँ करना चाहता है, नई हिंदुस्तान की बात करता है। नई हिंदुस्तान में अगर सबसे जोखिम में अगर कुछ है वो है हमारा अधिकार। हिंदुस्तान में सबसे जोखिम हालत में है हमारा अधिकार। ये हमारे अधिकार को छीन लिया जाते हैं, हमें कर्तव्य सिखाए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के पहले हमारा अधिकार क्या है ये तो बता दीजिए। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, देखिए मीडिया वालों को यहाँ से निकाल दिया जाते हैं, ये मीडिया हमारे फोर्थ पिलर होते हैं, मीडिया वालों को घुसने नहीं दिया जाता। क्यों आप मीडिया को डरते हैं? मैं खुलेआम कहता हूँ, अदानी जी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अम्बानी के साथ हमारे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में और तरक्की हो और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो, हमारे इस सिस्टम पे तर्क है। हमारा देश चार वेद 18 उपनिषद 2 महाकाव्यों की देश है, हमारा देश शंकराचार्य की है, हमारा देश पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब का देश है, हमारा देश नामदेव तुकाराम की देश है, हमारा देश गुरु नानक और भाई मर्दाना की देश है। सर हमारा देश बुद्ध और ऋषभ देव की देश है, हमारा देश चेन्नईया और बसवापन्ना की देश है, हमारा देश कबीर चैतन्य की देश है, हमारा देश निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती का देश है। ये देश को बचा के रखिए, यही मेरा निवेदन है।